नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल स्थित रविंद्र भवन परिसर में गुरुवार को शहर के बर्डीस ग्रुप ऑफ फाउंडेशन स्कूल का 2 दिवसीय कल्चर प्रोग्राम शुरू हो गया, जिसका समापन शुक्रवार को किया जाएगा। विद्यालय के प्राचार्य गुरप्रीत सिंह कालरा ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय अपना 16वां एनुअल प्रोग्राम आयोजित कर रहा है, जिसके तहत प्राथमिक, माध्यमिक व हाई सेकेंडरी स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2 दिवसीय प्रोग्राम के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, मानवता के साथ अन्य सांस्कृतिक प्रोग्रामों की प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। एनुअल फंक्शन के पहले दिन भवन परिसर में स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक से बढ़कर एक नृत्य व अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सबका मन जीत लिया। इस दौरान बच्चों के अभिभावक और स्कूल का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। मैं गुरप्रीत सिंह कालरा, प्रिंसिपल बर्डीज ग्रुप ऑफ फाउंडेशन स्कूल। कल्चर प्रोग्राम आयोजित किया, आज हमने अपना 16th एनुअल फंक्शन यहाँ पर रविंद्र भवन में आयोजित किया है। ये 2 दिन का प्रोग्राम है, आज पहला दिन है, कल फिर एक बार दूसरी क्लासेस और बच्चों के साथ हम ये प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे। और ये हमारा 16th ईयर कंप्लीट हो रहा है और बच्चों की किंडरगार्टन एजुकेशन में हमें हमारी डायरेक्टर जो हैं लवलीन कालरा, उनको अराउंड 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और उसके बाद हम 16 साल पहले हमने इसकी स्थापना इसी उद्देश्य से की थी कि जो पहला स्कूल पेरेंट्स अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं, वहाँ जो राइट फाउंडेशन उनको मिलना चाहिए, सही तरीक़े से उनकी अपब्रिंगिंग होनी चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए हमने स्कूल की स्थापना की थी। और आज 16 इयर्स में हमको दिल्ली से बेंगलोर, बॉम्बे में नेशनल लेवल पे कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।